बाबा रामदेव जी, माननीय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष गडकरी साहब, पार्लियामेंट में आप सबकी आवाज उठाने वाले टीडीपी के नेता नागेश्वर राव जी, नारायण राव एमपी हैं तेलुगु देशम के, गोयल साहब, विजय गोयल साहब मंच पर बैठे हुए सभी महानुभावों, प्रकाश सिंह बादल कौन आए हैं, अच्छा बादल साहब के और सभी इस आंदोलन में आए हुए भाइयों और बहनों, अभी नागेश्वर राव जी ने कहा देश में महंगाई है, भ्रष्टाचार जो है वो दिल्ली से लेकर गांव तक है, दिल्ली में बहुत बड़ा माल आता है लेकिन गांव में भी ये बीमारी फैल गई है। लोग कहते हैं पुए कुए में भांग गिरी हुई है। इस देश में मैं मानता हूं कि 60 बरस बाद 65 बरस में नहीं, हजारों बरस से इस देश के खून में खराबी नहीं, हड्डियों में खराबी है। आपसे मैं कहना चाहता हूं, बाबा रामदेव जी से भी कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में जो स्वामी दयानंद जी ने बड़ा काम किया था, स्वामी दयानंद जी ने दिल्ली के आसपास हिंदुस्तान में हिंदू धर्म में 56 कोटि देवी देवता हैं, भगवान हैं। उन्होंने कहा न इनको सरकाओ, ये कोई बात ठीक नहीं है, और दिल्ली के आसपास उनका इतना असर हुआ कि उन्होंने कहा वेद की तरफ चलो, ये कोई मामूली बात नहीं थी, वेद की तरफ चलो, और उन्होंने कहा कि ये मूर्तियां हैं, ये भगवान जितने खड़े हुए आपने मूर्ति बनाकर किए हैं, इन पर रात को चूहा चढ़ता है, इसलिए उन्होंने वेद तरफ कहा। और मैं जब चौधरी चरण सिंह आर्य समाधि थे, उन्होंने अपनी दो बेटियों की शादी अंतरजाति सिद्ध की थी, वो जात के बहुत खिलाफ थे। दिल्ली के आसपास 100-150 किलोमीटर में कोई मंदिर नहीं था, मेहनत किसान रहता था यहाँ, और दुनिया की सबसे जरखेज जमीन जो है वो इसी इलाके से निकलती है। अभी जो ओलंपिक खेल हुए हैं, हरियाणा के लोगों को ये जो क्रिकेट 24 घंटे आपको दिखाते हैं, ये गुलामों का खेल है, ये 6 मेडल में है, ये 4 जो है वो किसान के बेटों ने लाए हैं, और किसानों के बेटों से ज्यादा जट्टों ने लाए हैं, जाटों ने लाए हैं। इसलिए कि वो शरीर का पुरुषार्थ करते हैं, बुद्धि भर का पुरुषार्थ नहीं करते हैं, और शरीर के पुरुषार्थ करने वाले लोग जो है वो इस देश में हजारों बरस से दुखी और पीड़ित हैं। बताओ इस सभा में जितने ऊपर बैठे और नीचे बैठे हैं, कोई बढ़ई है अरबपति, कोई लोहार है अरबपति,
कोई कुम्हार है अरबपति, कोई कुर्मी है अरबपति, कोई गडरिया है अरबपति, एक बताओ, ये गुजर है, ये जाट है, ये कोरी है, ये कुर्मी है, ये नागेश्वर कम्मा कम्मा है, बताओ हमारे स्विस बैंक में पैसा जमा है, बताओ ना, हमारे स्विस बैंक में पैसा पता है किसके हैं, किसके हैं? ये मुट्ठी भर लोग हैं, हजारों बरस में लूट रहे हैं, संपत्ति इनके पास, संपदा इनके पास, पैसा इनके पास, कारपेट ये, सरकार में ये आपका जो यहाँ लोगों ने कहा कि माँ और मातृभाषा में, सब भाषाएं हमारी मातृभाषा है, तेलुगु है, तेलम है, तमिलनाडु की है, क्या कहते हैं, बंगाली है, आपकी गुजराती है, मराठी है, हिंदी है, ये हमारी माँ की बोली है। और हिंदुस्तान में कोई वैज्ञानिक नहीं पैदा होता, क्यों? अरे ट्रांसलेशन में कोई वैज्ञानिक पैदा नहीं हो सकता, ट्रांसलेशन में नहीं होता, चीन बाजू में है, वो ऊपर गया, कभी ये बेईमान बताते नहीं क्यों ऊपर गया, वो चीनी में काम करते हैं, चीनी में खोज करते हैं, चीनी में दुनिया के बाजार पर कब्जा करते हैं, भैया ये दिन भर गिड़पेट गिड़पेट, इससे दो नंबर का पैसा गया है, ये भाषा नहीं जानता देश, ये आपकी बोली में नहीं बोलते, ये रामदेव जो बोलते उसमें नहीं बोलते, ये गडकरी बोलेगा उसमें नहीं बोलते, ये बोलते हैं काय में, जो 1% लोग बोलते हैं अंग्रेजी में, कैसे देश बने, कैसे दुनिया बने, और काला धन किसने, अरे हम इसके 85 लोग, 1 बरस नहीं, 2 बरस नहीं, 100 बरस नहीं, हजारों बरस से खेत में जुते हैं, हजारों बरस से मजदूर खेत खलियान में काम कर रहा है, अरे पसीना टपकाता है और दौलत बनाता है और पेट के साथ भूखा सोता है, ये 80-85% लोग, इनका क्या दोष है, क्या दोष है? ये जाति व्यवस्था के कूड़े पर, कूड़े पर हर तरह का पाप पलता है, ये जात रहेगी तो हिंदुस्तान बन नहीं सकता, बन नहीं सकता, बन नहीं सकता, मिटाओ इसको, करो इंसान सबको बराबर, करो सबको बराबर, बेईमानी भगेगी, स्विस बैंक में कौन की हिम्मत है पैसा ले जाए, लेकिन समाज जो है इस जात व्यवस्था के घूड़े में सब तरह के, सब तरह की बीमारी, विषमता, भूख, बेकारी, सब, भाषा स्कूल के बच्चे को एक रोजगार नहीं, जो हिंदी में पढ़ेगा, जो तमिल में पढ़ेगा, जो तेलुगु में पढ़ेगा, जो मराठी में पढ़ेगा उसको रोजगार नहीं, रोजगार अंग्रेजी में, जो आईटी में अंग्रेजी वाला जाएगा, ये अभी एफडीआई ला रहे हैं, 22 करोड़ आदमी ठेले में सब्जी टोकरी में रख के, फल टोकरी में रख के 2000 रुपए में सामान बेचता है, 22 करोड़ लोग हैं, कितने हैं, 22 करोड़ लोग हैं, उठते बैठते एफडीआई, एफडीआई काय में लाओ, बाजार में लाओ, अरे व्यापारी जो है, दुकानदार है, वो 7 करोड़ है, 7 करोड़ है, बाकी यही है जो ठेला लगाते हैं, जो खोंचा लगाते हैं, जो सब्जी बेचते हैं, जब दुकान बंद हो जाती है, जब सराफा बाजार बंद हो जाता है तो चाट बेचते हैं, इन गरीबों का, इन गरीबों के पेट पे लात मारना चाहते हो, इन गरीबों के पेट पे लात मारना चाहते हो, नहीं, ये मुद्दे भी उठाओ, रामदेव जी, समाज की विषमता से सब पाप पैदा हुआ है, जात के घूड़े से इस देश में सब कुछ पैदा हुआ है, इंसान बनाओ, याद रखो हिंदुस्तान के हजारों बरस में एक आदमी इंसान पैदा हुआ, उसका नाम है कबीर, उसका नाम है कबीर, एक तरफ मार्क्स ने पोथा लिखा है और कबीर ने एक सेंटेंस में मार्क्स के किताब को समेट दिया, साधु इतना पाइए जा में कुटुम समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए।
इंसान को जीने का सबक कबीर ने दिया, झीनी झीनी बीनी चदरिया, दास कबीर जतन से ओढ़ी, जस की तस रख दीनी चदरिया। यानी ये परमात्मा ने साहब ने ये तन बड़े जतन से बनाया है, ऐसा जीना कि दाग न लग जाए। बताओ महात्मा गांधी पे कोई दाग है? बताओ जयप्रकाश पर कोई दाग है? ये बीजेपी के अध्यक्ष थे जिनकी मृत्यु हो गई, दीनदयाल जी पर कोई एक दाग है? अटल बिहारी पर कोई एक दाग है? मधुमेह पर कोई एक दाग है? रवि राव पर कोई एक दाग है? इनको राज मिला कभी? राज नारायण पे कोई एक दाग है? कर्पूरी ठाकुर किसका बेटा? नाऊ का बेटा। किसने बनाया मुख्यमंत्री? डॉक्टर लोहिया ने बनाया मुख्यमंत्री। हजारों बरस में जो दुखी लोग है, शरद यादव यहाँ खड़ा है, मुझे कोई ने परवरिश नहीं किया। जयप्रकाश ने जेल में मुझे टिकट दिया और लोहिया की किताब से मैं हिंदुस्तान में 40 बरस से पार्लियामेंट में हूं। ये सब बोलता हूं जो आपके बीच में बोल रहा हूं, सब सच कहता हूं। मुट्ठी भर लोगों ने कैद करके रखा है, संपत्ति, कारपोरेट, पैसा, दौलत, सब की सब एक कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में। कैसे देश बने? कैसे देश बने? दुनिया बन गई, ये देश नहीं बना। गांधी पैदा हुआ, देश नहीं बना। कबीर जो सबसे बड़ा आदमी, इंसान, एक एक आदमी पैदा हुआ, उसका नाम कबीर है। ना जिसकी जात है, ना इसका धर्म और मजहब है। अभी चले जाओ मगहर में, ढूंढ रहे हैं लोग कि मुसलमान है, हिंदू, मंदिर बाजू में है और बाजार बाजू में, पता नहीं चल रहा कबीर है कौन धर्म का था, पता नहीं चल रहा कबीर जो है वो कौन जात का है। पाथर पूजे हरि मिले तो भी पीजू पहाड़, तासे तो चक्की भली पीस खाए संसार। ये था हिंदुस्तान में सबसे बड़ा आदमी पैदा हुआ, उसका नाम कबीर है। कोई उसका भजन गाता है? उसका नाम लेता है? अरे जिस दिन उसका नाम लेगा तो करोड़ों लोग आज सबसे ज्यादा कबीर की याद करके ही दुख सहते हैं, दुख का सागर पार करते हैं। वो कबीर के बाद गांधी हुआ, गांधी के बाद लोहिया हुआ, जयप्रकाश हुआ, आचार्य नरेंद्र हुआ, एस एम जोशी हुआ, एन जी गोरे हुआ, मधु दंडवते हुआ, कर्पूरी ठाकुर हुआ, मधुलमय हुआ, मधु दंडवते हुआ। इनने क्या किया? इन्होंने ईमान के साथ देश में 40 बरस आपकी सेवा की, लेकिन इनकी नहीं चली। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, इंसान बनो, आदमी बनो, जो पसीना बहाता है, मेहनत करता है, उसका मान इज्जत होना चाहिए। और याद रखो, मुझे मालूम है, याद रखना, जब पसीना बहता है तो हमारे जैसे का, कबीर जैसे का, जब मेहनत कस का पसीना बहता है तो राम हमारा उस पसीने में नूर बनता है। इसलिए हिंदुस्तान में मेहनत करने वालों का सम्मान होना चाहिए। आप सब लोगों ने मुझे बुलाया, मेरे मन में जो था, मैंने बाबा से कहा था कि हमको बुलाओगे तो हम सच सच बोलेंगे। हम आए हैं आपके पास तो दो बात कह दिए, अपने तन मन की वेदना बता दिए। हम यहाँ आ नहीं सकते थे बाबा साहब अंबेडकर और गांधी नहीं होते, हमको वोट नहीं मिलता, हम यहाँ घास का बैल घास नहीं चरा सकते थे। हम 40 साल से पार्लियामेंट में है, उन दो महापुरुषों के, उनने सबको बराबर वोट दे दिया। अब हमारी संख्या क्या करेंगे? ये आज नहीं तो कल हम इस पार्लियामेंट में कब्जा करेंगे और ये सत्ता जाति व्यवस्था का गूढ़ा और करकट है, उसे साफ करेंगे। यही हमारा लक्ष्य है, यही इसी काम में आप लगे हैं। और जरूर जो सवाल आपने उठाए हैं, वो तात्काल एक बहुत बड़ी बीमारी है, भ्रष्टाचार बहुत बड़ी बीमारी है। मगर एक बात रख लो आप, ये सीबीआई को एक मुद्दा बनाओ, ये सीबीआई को स्वायत्त करवाओ,
ये स्वायत्त कराओगे तो देश में बहुत बहुत लाभ होगा, ये लोकपाल से नहीं होगा, ये सीबीआई के स्वायत्त करने से होगा। इन्हीं साधों के साथ आप सब भाइयों का मैं यहाँ आने पर अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ और बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप भले तात्कालिक बीमारी के लड़ने आए लेकिन बुराई के खिलाफ यहाँ संग्राम कर रहे हो, इसलिए संग्राम को नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। को सही दिशा देने वाले प्रखर राष्ट्रीय नेता माननीय शरद यादव जी ने सीबीआई को स्वायत्त रखने की परम पूज्य स्वामी जी महाराज की वह मांग कि पांचों संस्थाएं स्वायत्त हों, सीबीआई, कैग, इलेक्शन कमीशन, इन सब की स्वायत्तता की परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने, लोकपाल की स्वायत्तता की मांग, उनकी स्वायत्त नियुक्ति की मांग को परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने बहुत दृढ़ता के साथ उठाया और पूरे समाज को जाति भेद से ऊपर उठकर जोड़ने का प्रयास किया। उसी का परिणाम है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उनकी वह समतामूलक समाज की अवधारणा और उस अवधारणा को स्वर देने वाले परम पूज्य स्वामी जी महाराज, उनके पौत्र आदरणीय प्रकाश अंबेडकर जी ने आकर परम पूज्य स्वामी जी महाराज के आंदोलन का समर्थन किया, पूरे दलित समाज की ओर से समर्थन किया, गरीब मजदूर की आवाज का समर्थन किया, पूरे भारत के गरीब मजदूर किसानों की आवाज को उठाने वाले एक किसान के घर में पैदा हुए परम पूज्य स्वामी जी महाराज राष्ट्र को एक नया व्यवस्था परिवर्तन देना चाहते हैं, संपूर्ण क्रांति का आह्वान करके उठे हैं, जय प्रकाश नारायण जी के उस सपने को पूरा करने का आह्वान करके उठे हैं, महात्मा गांधी जी के सपने को पूरा करने का संकल्प लेकर आगे आए हैं। गरीब और मजदूर की बात करने वाले हमारे एक साथी यहां पर उपस्थित हैं, भाई भगवती शरण जी जो दलित नेता हैं, समाज में बहुत दृढ़ता के साथ काम कर रहे हैं, पूर्व मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने भगवती शरण जी, भगवती प्रसाद जी ने भारत, भारतीय संस्कृति और भारत के गणतंत्र की रक्षा को लेकर आम नागरिकों की हक की आवाज उठाने वाली